चलिए शुरू करें। जी अंदर क्लास चलिए, इधर आगे डिस्टर्ब करेंगे आप परेशान नहीं होइएगा, इनको आने जाने दीजिएगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला चैप्टर मैथमेटिक्स 10th क्लास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बैंक का सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको हम करवा चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शो करो, क्या करो, शो करो एन स्क्वायर माइनस वन जो है वो किससे डिविजिबल है, बाय 8 से। और ये ओड नंबर है, कैसे, एज ए ओड नंबर एंड ओड इंटीजर। एक आप चुटेगा जब तुम चुप हो गए, या फिर ऐसे चुप हो जाओगे, हम क्या बोल रहे हैं, एक आप चुटेगा तो चुप हो गए, चुप हो जाओगे ऐसे क्या कैमरा बोल। फिर आ गए हम आपके सामने, अंदर बच्चे शोर कर रहे थे, वो चुप करना जरूरी है। बच्चे दांत फाड़ते ही समझ में आता, फाड़ते तो फाड़ते हैं, दांत कैसे फाड़ लेते हैं, मैंने चादर फटते हुए देखा है, कागज फटते हुए देखा है, लेकिन ये दांत कैसे फटते हैं ये समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे सामने बैठी हुई बच्ची बड़ी प्यारी सी, ओहो ऐसा लग रहा है कॉलगेट से दांत मारती है, बिल्कुल सफेद दांत। हाँ भाई ऋषभ, तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं, क्या इस्तेमाल करती हैं आप बताइए। अच्छा नकली दांत, हो नकली दांत बता दी, इनके दांत नकली है, टॉपिक बताते हम लोग, नकली दांत पकड़ के रखिएगा इन गिरना जाए आपके, ठीक है। तो मेरे पास अरिशा बच्ची थी, इसके बाद नकली दांत है, इसलिए चमक जा रहे हैं। करीब सर कुछ नहीं करते हैं, रात में क्या करते हैं, सरफ के पानी में दांत को डाल देते हैं निकाल के, और सुबह निकालते हैं और लगा लेते हैं, इस तरह हमारे दांत चमकते रहते हैं, कोई कॉलगेट का चमत्कार नहीं है, ठीक है। टॉपिक बताते हैं हम लोग, यहाँ पर ओड इंटीजर्स लेना है जो शो करना है n स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय द 8। तो जैसे मैंने बताया था जिसका डिविजिबल बोलेगा उसी को हम एज ए युग्लिड थ्योरम के मुताबिक उसी को हम लोग क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं मल्टीप्लाई में 8 के साथ। जैसे बाय द युग्लिड थ्योरम आपको नंबर जो मिलेंगे वो कुछ इस तरह मिलेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस 1 एज ए ओल्ड, ओल्ड पूछा ना, ओल्ड एक्स टू इज इक्वल टू 8 क्यू प्लस 3, एस 3 इज इक्वल टू 8 क्यू प्लस 5 एंड सो ऑन। अब कितने बताने, यहाँ पे शो नहीं करा गया है, अगली बात को प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 और बारी बारी इनको हम इस वाली फॉर्म में पुट करके देखते हैं ताकि वो 8 से डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए, 8 से डिविजिबल हो जाए। चलिए देखते हैं हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले हम उठा लेते हैं, इसको ले लेते हैं x1 बराबर 8 क्यू प्लस 1 और इसकी फॉर्म में रख लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में रखते हैं, क्या रखेंगे हम 8 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 हमारा 7 जी। यहां पर हमने रखा, इसका फॉर्मूला बोलेंगे हम क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर का 64 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 8 टू 16 क्यू 1 क्यू और माइनस साथ में ब्रैकेट खोल लेंगे, ये शक्ल बन गई आपको, आप अच्छी तरह जानते हैं इसके बदले आप जो है n पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, n पुट कर सकते हैं 5 n प्लस 1 आ जाएगा जिसको सेटिस्फाइड करेगा। और अगर ऐसे नहीं सेटिस्फाइड कर सकते तो आप फार्मूला खोलिए और वैल्यू डालिए, देखिए a से कट रहा नहीं कट रहा है, इसमें वैल्यू डालिए तो a से मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, गलती हो गई हमारी, हमें इसकी वैल्यू रखनी थी, सॉरी। ब्रैकेट खोलेंगे आप, क्या खुलेगा ब्रैकेट, 64 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 क्यू माइनस 1, ये से कट जाएगा हमारा 64 क्यू स्क्वायर प्लस में 16 क्यू आएगा, और अगर हम 8 कॉमन ले लें तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू आ जाएगा, इससे बदलना 8 से डिविजिबल, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे को उठाएंगे,
दूसरा हमारे पास क्या दिया है बताओ जल्दी से, एक्स टू इज इक्वल टू दिया है 8q+3। फार्मूला हमारे पास कितने पर करना है, एन स्क्वायर माइनस वन में, जहाँ एन है यहाँ पर एक्स भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसे एन मान लें चाहे एक्स। अब एन दिया तो एन मान लें, एक्स एक दिया होता तो एक्स मान लेते, एन दिया तो हमने क्या मान लिया, एन मान लिया, एन मान यहाँ पर एन टू माना है आपने, तो एन की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एन टू की क्या वैल्यू है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस वन डाल देंगे। फार्मूला सबको आता है क्योंकि गाय सबकी माता है, इसलिए फार्मूला सबको आता है। किस किस को नहीं आता हाथ ऊपर करो, किसको नहीं आता। अब देखिए अनिशा जो है दांत नहीं निकाल रही है क्योंकि इनकी पोल खुल गई है, अनिशा की पोल खुल गई है, अनिशा दांत नहीं निकाल रही है, और अरे अरे निकल गए दांत, निकले चमकदार है। आपको एक फार्मूला मिल गया दांत साफ करने का, अगर से नकली दांत हो आप अपने दांत रात में निकाले, यहाँ से हमारे यही असली दांत है, फिर इतने चमकदार क्यों नहीं बताए। कौन सा कॉलगेट यूज करती है, कॉलगेट पेप्सोडेंट क्या यूज करती है बताइए भाई, नहीं क्या उसमें किस तरह की बात है, नहीं टॉयलेट का ब्रश यूज नहीं करती है वो, दांत का ब्रश यूज करती है। चलिए इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे, पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी को स्क्वायर फॉर्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, और ये रहा बी, और साथ में क्या है माइनस वन, खन खाना खन क्योंकि साइड में लगा है माइनस वन, हमारे पास स्पेस नहीं, थोड़ा इधर किसका लेते हैं, ऐसे करते हैं इधर किधर गया ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे दो बार, अट्ठू अट्ठू चौसठ प्लस थ्री थ्री दा थ्री टू दिक्स तो नहीं बोलोगे, नहीं तो बोलोगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, आठ दूनी सोलह तिहाई, आठ दूनी सोलह तिहाई अड़तालीस, और साथ में क्या रखा माइनस जी, आप 64q² लिख सकते हैं, जी 48q लिख सकते हैं, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 लिख सकते हैं। आप इसमें से भी 1 कॉमन लें, अंदर आपको मिलेगा क्या 8q², और यहाँ क्या मिलेगा 6q 8 6 48, और 8 एकम 8, तो सीधा मल्टीप्लाई में 1 होता है। इस तरह से ये भी 8 का मल्टीपल हो गया ऑड नंबर में। अब लास्ट और है लेंगे ताकि हम अपनी बात को 3 और नंबर से प्रूफ कर सके, एक 8q+1, 8q+3, 8q+5, ये यूक्लिड है थ्योरम, उसके थ्रू आपको बनता है नंबर। आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतनी सारी डिटेल नहीं डालनी है इसमें, बस इस तरह करना है आपको और 3 तक सॉल्व कर देना। अब आपने लिया है m3 जिसकी वैल्यू है ओड नंबर 8q+5, इस तरह यहां भी रखने की कोशिश करेंगे। जब भी क्वेश्चन में 5 आता है मुझे अपनी वाइफ याद आ जाती है, मैं कहता हूं देयर इज लोकेशन ऑफ द 5 वेयर इज माय वाइफ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माय वाइफ, आई डोंट नो, यस मेरे पास है n²-1। अब यहां पर n की वैल्यू पुट करनी है 8q+5, या स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाना है, माइनस 1 डालनी है, ये जापा बात है, या तो आवाज जो है भरमार है, आवाज आती रहेगी, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। कभी कहते हैं आलू ले लो, कभी कहते हैं प्याज ले लो, नहीं तो कुछ भी ले लो जी, जैसे बोल देते हैं कि दांत साफने का साफ करने वाला ब्रश ले लो, क्या कहते थे दांत साफ करने वाला ब्रश ले लो, यस ए प्लस बी को स्क्वायर खोलेंगे, 8q का स्क्वायर आएगा प्लस 5x² आएगा प्लस 2 8q 5 और माइनस 1, देखो अभी 5 आया, फॉरन मूव आया, वेयर इज माय वाइफ, 5 वेयर इज माय वाइफ, यस 8 2 64 5 पंजे 8 दुनी 16 पंजे 80 64q² पहले से लिख लेंगे 80q, फिर 25 में से 1 घटाएंगे 24 बचेगा, क्या बचेगा 24, सब में से 8 कॉमन निकालें ताकि 8 का मल्टीपल शो कर सके, 24, इस तरह पता चला ये भी 1 का मल्टीपल आ रहा है, हमारी बात प्रूव हो जाती है, वो ओड नंबर जो 8q+1 है
एट क्यू प्लस थ्री है, एट क्यू प्लस फाइव है, जिनका हम इसमें वैल्यू पुट करने पर ये सेटिस्फाइड करते हैं, यानी एट का मल्टीपल निकालते हैं। जब मैंने एट क्यू प्लस वन ओड नंबर रखा था तब भी मैंने इसका मल्टीपल आया था, जब मैंने एट क्यू प्लस थ्री ओड नंबर रखा था तब भी एट का मल्टीपल आया था, और जब मैंने एट क्यू प्लस फाइव रखा था जब भी मल्टीपल इसका एट आया था। इस बात से प्रूव होता है वो ये नंबर सारे हैं जो एट से डिविजिबल हैं। इसमें रखने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसे पूरा कीजिए।